तीरथ सिंह रावत ने रातों रात सीएम पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी पर लग रहा है मंत्रियों से खेलने का आरोप। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी हलचले तेज है। राज्य के नए मुख्यमंत्री का चयन होना है। बीजेपी सांसद और राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कल शुक्रवार 2 जुलाई की शाम अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के जींस पहनने पर अभद्र बयान दिया था और अपने बेतुके बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहे हैं। उनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा, वो मात्र 4 महीने ही मुख्यमंत्री पद पर रह सके। वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और भाजपा की नीतियों को ट्रोल करते दिखाई दे रहे हैं। संतोष कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा, तीरथ को बलि का बकरा किसने बनाया। अमित गर्ग नाम के दूसरे यूजर लिखते हैं, फ से फटी फ से फूटी, फर्क इतना, कहीं जींस कहीं किस्मत। तो वहीं हरेश पवार नाम के यूजर ने लिखा, सीएम बनने लायक कोई नेता ही नहीं बीजेपी के पास। आकाश नाम के यूजर लिखते हैं, मजाक तो उत्तराखंड की जनता और उनके वोटों का हो रहा, क्या विकास हो रहा होगा वहाँ जहाँ मुख्यमंत्री की ही सीट खतरे में रहती है, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। सच में टू मच डेमोक्रेसी है जी। हैशटैग उत्तराखंड, हैशटैग तीरथ सिंह रावत। नदीम राम अली नाम के यूजर ने लिखा, भाजपा ने उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंट का अड्डा बना रखा है क्या। पत्रकार के सवाल पर उठकर भागे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी। सुरेश जोशी नाम के यूजर लिखते हैं, केवल सीएम ही नहीं पीएम भी बदलो। प्रमोद वशिष्ठ नाम के यूजर लिखते हैं, एक और भाजपा का सीएम बेरोजगार। तो वहीं जीएस अवस्या नाम के यूजर ने लिखा, लड़कियों को जींस पहनने से मना करने वाले उत्तराखंड के भाजपा मुख्यमंत्री तीरथ रावत अपना पैजामा नहीं संभाल पाए। वहीं मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी इस्तीफे की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, फटी जींस सिलवाने गए हैं राजभवन। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।